हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी विद सीमा। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ ब्रेड उपमा की रेसिपी। ये काफ़ी इजी और टेस्टी रेसिपी है। इसे बनाना भी काफ़ी आसान है और ये खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। ये आप जब ब्रेड खा के बोर हो जाए तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। ये ब्रेड का एक नया वर्शन है और आपको खाने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मैं आपको इसका एक बाइट लेके दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है। चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने फ्राई पैन में डाला है 2 चम्मच घी। फिर उसमें ऐड की है मैंने महीन वाली राई, फिर 1/2 चम्मच चना दाल और कड़ी पत्ते। जैसे वो भून जाए फिर मैंने इसमें डाला है 1 बारीक प्याज, फिर 1 टमाटर। ये सब मैं अच्छा से भून लूँगी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 ग्रीन चिली। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी ब्रेड। मैंने 6 ब्रेड की स्लाइस हाथों से क्रश करके ली है। अगर आप हाथ से नहीं करेंगे तो आप मिक्सर में भी चला के कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी इजीली हो जाती है। हमें रफली ब्रेड को क्रश करना है और ब्रेड को ये मसाले में हम अच्छा से भून लेंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी बटर मिल्क। मैंने 1/2 कप बटर मिल्क का यूज़ किया है और इसे मैं अच्छा से चला लूँगी। ये एक सॉफ्ट उपमा का फॉर्म ले लेगा। मैंने टोटल 1/2 कप बटर मिल्क का यूज़ किया है। क्वांटिटी कम बेसी हो सकती है, आपको कितना थिक या थिन चाहिए। मेरा उपमा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी फ्रेश धनिया पत्तियाँ, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और इसे मैं सर्व कर दूंगी। मेरा ब्रेड उपमा की रेसिपी रेडी है सर्व के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।